दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सभी फ़ोन पे में अकाउंट बना सकते हो अपने आधार कार्ड से आप सभी के पास अगर आप सभी का एटीएम कार्ड नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने आधार कार्ड के नंबर से ही अपना फोन पे में अकाउंट बना सकते हो और उसमें यूपीआई को बना सकते हो और पेमेंट वगैरह सब कुछ कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कैसे हम सभी आधार कार्ड को यूज़ करके अपना फ़ोन पे में अकाउंट बना सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं यू बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर से सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि फ़ोनपे का अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड से सबसे पहले तो आपको फ़ोनपे को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है क्लिक कर देना है जैसे आपसे अभी प्रोसेड पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने फाइव डिजिट का एक ओ आएगा तो सिंपली से आपको इसमें डाल के यहाँ पर से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सभी ओ डाल दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा लोग लोडिंग योर फोन पे अकाउंट तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा ठीक है इसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर से आपको कुछ भी नहीं करना है सिंपली से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है आपको सिंपली से ऊपर में आपका प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपली से इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा उसके बाद आप सभी के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट करके यहाँ पे पेमेंट मेथड में तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पहले से अगर कोई लिंक होगा तो वो दिखा देगा बाकी कुछ नहीं दिखाएगा तो आपको सिंपली से ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर से आप सभी को अपना बैंक चूज़ कर लेना है जो भी आपका बैंक हो जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप अपना चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपका बैंक हो उसके बाद यहाँ पर से आप सभी को सिंपली से दिखा देगा कि कौन कौन सा आपको मिल गया है मतलब आपके इस नंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सा अकाउंट है तो यहाँ पर से आपको प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लिंक हो जाएगा ठीक है यहाँ पर से आप सभी देख सकते हो कि हमारा लिंक हो चुका है उसके बाद यहाँ पर से आप सभी को क्या करना है सिंपली से बैक आना है जैसे बैक आओगे होम स्क्रीन पर आपको सिंपली से आ जाना है यहाँ से बैक आ जाते हैं फिर से बैक आना है आपको उसके बाद वापस से आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे फिर से आपको बैंक अकाउंट पे जाना है बैंक अकाउंट पर जाने का बाद यहाँ पर से आपका जो अभी आपने ऐड किया वो वाला अकाउंट मिल जाएगा तो सिंपली से उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक यू पिन मिल जाएगा आपके सामने रीसेट चेंज वाला भी आ सकता है आपके सामने जो है यहाँ से आपको सेट वाला भी आ सकता है सेट करने को तो सब जो भी आता है आपको वो आप कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ से मैं जैसे रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर से आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो यहाँ पे आप देख दिखा देख सकते हो कि इस नंबर से जो भी आधार कार्ड है उससे भी र र कर सकते हो और ए कार्ड से भी र र कर सकते हो तो मैं आधार कार्ड से करूँगा तो यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर से आप सभी को स्टार्टिंग का छः डिजिट डालना पड़ेगा आधार कार्ड का तो आप सभी डाल दीजिएगा ठीक है स्टार्टिंग का छः डिजिट डालने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है ऐसे ही क्लिक करते हो उसके बाद आप सभी के सामने छः डिजिट का एक बैंक ओ जाएगा आपके एस एम पे तो सिंपली से आपको उसको डाल देना है और इसके बाद आपको एक छः डिजिट का आधार ओ भी जा सकता है कई लोगों में नहीं जाएगा सिर्फ बैंक ओ जाएगा तो वो डाल के आपको यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है से क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर से आप सभी देख सकते हो कि आपको चार डिजिट का यू पिन सेट करने को बोलेगा तो यहाँ से आपको सिंपली से अपना चार डिजिट या छः डिजिट का यू पिन सेट करके टिक पर क्लिक करिएगा इसके बाद आपका जो यू पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा आपका यू पी बन जाएगा अब इसके बाद आप किसी को भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो अपना बैंक बैलेंस देख सकते हो कुछ भी कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे तो यहाँ पर से आपको बैंक बैलेंस चेक करने के लिए सिंपली से चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद से आप अपने अकाउंट चूज़ करके यू पिन डाल के अपना बैंक बैलेंस चूज कर सकते हो इसके बाद आप किसी नंबर को यहाँ पर से पेमेंट कर सकते हो उसके बाद मोबाइल रिचार्ज यहाँ से आप सभी आराम से कर सकते हो यहाँ पर से कोई भी नंबर का आप लोग रिचार्ज कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप सभी इसका यूज कर पाओगे अपने आधार कार्ड से अकाउंट बना के यू पे बना के अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा तो मिलते किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों